a very good evening to all of you i shalini welcome you all to gils Mentor e learning platform a single platform for all the competitive exams yes am i audible now a very good evening jaspreet mandeep sanjeev goodpreet very good evening येस एम आई ऑडिबल नाउ ओके सो लेट एस स्पिगन विद टूडे सेशन हां जी बच्चे कल हमने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेज वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक दैट इज इनपुट डिवाइसेज जैसा मैंने आपको कल बताया किसी भी डिवाइस के थ्रू जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं दोज डिवाइसेस फॉल अंडर इनपुट डिवाइसेस तो इनपुट डिवाइसेस में मेनली हमने ये देखा था कि कितने टाइप्स हैं इनपुट डिवाइसेस के ओके गुड इवनिंग फाइन फाइन बचिंग वट वी हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड दैट वी हैव बेसिकली वी हैव क्लासिफाइड आर इनपुट डिवाइसेज इंटू टू कैटेगरीज One is manual, another one is direct. So, what are manual input devices? Manual input devices हमने डिस्कस किया था। वो सारे input devices जिसमें user की maximum participation होगी, humans maximum काम करेंगे, वो सब किस कैटेगरी में fall करता है manual में। और automatic input devices वो ऐसी सारी devices होंगे जिसमें human interaction minimum होगी। Fine? So, next are the examples. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट की बोर्ड की बोर्ड क्या है कितने टाइप्स का है क्या यूज है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड ऑल राइट नेक्स्ट बच्चे हमने स्टडी करना है नेक्स्ट वी स्विच टू आर पॉइंटिंग डिवाइसेस अब हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे दीज आर आल्सो कैटेगरी ऑफ योर इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइस होता क्या है ऐसी एक डिवाइस जिसमें आपका जो डिवाइस है वो एक पॉइंट की तरह आपके स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट करेगा और वहाँ पे आपका कर्सर जो है वो प्लेस्ड होगा फाइन वो सारे डिवाइसेस जो आपकी स्क्रीन पे पॉइंट आउट करेंगे जैसे ही आप पॉइंट आउट करेंगे वहाँ पे आप कुछ भी एडिटिंग कर पाएंगे सो दीज आर पॉइंटिंग डिवाइसेस सो माउस फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ योर पॉइंटिंग डिवाइसेस गुड इवनिंग पूनम गुड इवनिंग बच्चे नेक्स्ट है बच्चे आपका माउस वट इज़ अ माउस माउस इज अ इनपुट डिवाइस इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस विच पॉइंट्स ऑन यूर स्क्रीन एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ अ यूजर फाइन कोई भी स्क्रीन पर आप पॉइंट करके आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हो क्लिक कर सकते हो मूव कर सकते हो ठीक है ये किसकी हेल्प से होता है आपके एक माउस की हेल्प से रूटीन में हम डेली अपने इनपुट डिवाइस यूज करते हैं ये माउस बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू यूज बहुत छोटा बहुत हैंडी है और इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं यस कशिश गुड इवनिंग बच्चे नेक्स्ट वी विल सी दी टाइप्स ऑफ अ माउस जैसे मैंने कल भी आपको बताया था बच्चे हमने कीबोर्ड की टाइप्स पढ़ी थी तो हम बड़ी ही बेसिक टाइप्स पढ़ते हैं जिसमें हम अपनी डिवाइसेस को कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको दो कैटेगरीज शो की हैं सिमिलरली वी हैव डिफरेंट माउस लाइक हमारे पास वायर्ड होते हैं वायरलेस होते हैं ब्लूटूथ माउस होता है ठीक है तो मेन कैटेगरी है बच्चे माउस की वन इज मैकेनिकल माउस अनदर वन इज ऑप्टिकल माउस ये दोनों माउस आपके यहाँ पे विजिबल हैं दिस इज योर मैकेनिकल माउस दिस इज योर ऑप्टिकल माउस मैकेनिकल माउस में क्या होता था बच्चे कि आपकी एक रबड़ बॉल या फिर मेटल की बॉल आपके माउस के नीचे वाली पोजिशन पे प्लेस थी दिस वन मैकेनिकल माउस जैसे जैसे आपकी ये बॉल मूव करती थी इन द सिमिलर वे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका कर्सर मूव करता था और आपके सेंसर्स आपकी इस मोशन को डिटेक्ट करते हैं कि आप स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे मूव कर रहे हो वो सेंसर्स की डिटेक्शन के बाद आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो गुड इवनिंग इंदरजीत बच्चे वेरी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून रणधीर ठीक है बच्चे तो मैकेनिकल माउस क्या होता है इसको आप बॉल माउस भी बोल सकते हो बिकॉज इट इज हैविंग वन बॉल ठीक है इनसाइड इट तो ये बॉल है इस बॉल की मूवमेंट से आपका जो कर्सर था वो मूव करता था आपकी स्क्रीन पे और आप अपने ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो ये पहले टाइम में यूज होता था ये थोड़े से इसकी ये डिसएडवांटेज थी कि ये बॉल जल्दी आपकी खराब हो जाती थी इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है हमने देन वी हैव ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल माउस में बच्चे क्या हैं कि आपके पास क्या होता है एक एल होता है लाइट एमिटिंग डायोडी आपको दिखाई दे रहा है आप अपने माउस के नीचे देख सकते हैं एक रेड कलर की लाइट होती है एलईडी लगा होता है एक डिटेक्टर होता है ये लाइट जैसे जैसे फोटो डायोड्स इसमें प्लेस्ड होते हैं एरे ऑफ फोटो डायोड्स मतलब बहुत सारे फोटो डायोड्स प्लेस्ड होते हैं ये डायोड्स जो हैं आपके लाइट की जो रिफ्लेक्शन है उसको डिटेक्ट करते हैं जैसे ही डिटेक्शन हो जाती है उससे आपका पता चल जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे मूव कर रहे हो आपकी मूवमेंट जो है सरफेस पे वो कौन डिटेक्ट करता है ये फोटो डायोड्स डिटेक्ट करते हैं जैसे जैसे आप अपने माउस को मूव करोगे आपके जो डायोड्स है वो डिटेक्ट करेंगे आपकी डायरेक्शन को और आप कोई भी ऑपरेशन आपके स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं हाँ जी बच्चे एम सी क्यू क्वेश्चन एम सी क्यू बच्चे हम कर चुके हैं फर्स्ट टॉपिक के वी आर ओवर विद दैट अब हम सेकेंड अपना टॉपिक कर रहे हैं उसके बाद वी विल डिस्कस दी एम सी क्यूज ऑफ दिस टॉपिक राइट तो दो तरह के बेसिक माउस हैं आपके वन इज़ मकैनिकल जिसमें आपकी बॉल यूज़ होती थी अनदर वन इज़ ऑप्टिकल जिसमें आपका एलईडी यूज़ होता है ठीक है लाइट डिटेक्टर होता है फोटो डायोड्स होते हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप स्क्रीन पे कहाँ पे मूव कर रहे हैं और आपकी मूवमेंट जब एक बार जज हो जाती है तब आप कोई भी ऑपरेशन अपने स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं लेजर यूएस बी एस हाँ जी बच्चे ये सब कैटेगरीज हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ब्लूटूथ माउस है हमारे पास वायरलेस माउस है ठीक है तो ये फर्दर आगे इनकी कैटेगरीज हो गई वायर्ड माउस जो आपकी वायर के साथ अटैच होता है ठीक है तो बेसिक जो कैटेगरीज है वो ये है नेक्स्ट इज द यूज ऑफ अ माउस वाई वी यूज माउस अब जैसे कीबोर्ड में बच्चे हमने कल पढ़ा था कीबोर्ड बोर्ड की कुछ थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस थी अगर मैक्सिमम काम आप करते रहोगे तो आपके थोड़ी रिस्ट प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है हैंड में पेन स्टार्ट हो जाती है तो माउस से कीबोर्ड से आप कोई भी डायग्राम जो है वो इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते थे तो इस डिसएडवांटेज को हमने रिमूव किया है माउस में माउस की हेल्प से हम कोई भी डायग्राम इजीली बना सकते हैं चार्ट बना सकते हो आप इजीली कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप आपने आइटम्स को करना है वो कर सकते हो हाँ जी अमनदीप दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास बच्चे ओके okay. बच्चे तो ऐसा प्रोसेस है हमारा कि वी आर फर्स्ट वी हैव डन विद आर थ्योरी पार्ट जैसी थ्योरी हमारी ख़त्म हो जाती है वी विल स्विच टू दी एम सी क्यूज़ ऑफ द सेम टॉपिक फाइन साथ साथ में हम एम सी क्यूज़ कर रहे हैं ठीक है जी हाँ जी तो बच्चे यूज़ क्या है आप क्या कर सकते हो माउस की हेल्प से किसी भी प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे ओपन कर सकते हो क्लोज कर सकते हो मैक्सिमाइज कर सकते हो मिनिमाइज कर सकते हो ठीक है फाइल्स को मूव कर सकते हो फाइन डिलीट कर सकते हो ये सारा काम आप करते हो रूटीन में राइट तो आपके पॉइंटर जैसे अगर हम माउस की बात करते हैं तो एक पॉइंटर आपके स्क्रीन पे अपीयर होता है ठीक है दैट इज कॉल्ड कर्सर जहाँ पे आपका होता है उससे आप किसी भी आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हो मूव कर सकते हो अपने पेज में कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स में आप स्विचिंग कर सकते हो डॉक्यूमेंट क्लोज कर सकते हो ठीक है एडिटिंग कर सकते हो तो ये सारे बेसिक ऑपरेशन हैं जो आप किसी भी इनपुट डिवाइस के साथ कर सकते हो फाइन नेक्स्ट है एडवांटेजेस एडवांटेज Advantage क्या है अब एक माउस की दिस इज आइडल फॉर यूज विथ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं आपके पीसी हैं आपके लैपटॉप्स हैं ठीक है थीके? तो इन सब के साथ आप माउस जो यूज करते हैं दैट इज मोर कंफर्टेबल वर्क्स वेल इन कंजंक्शन विद अ कीबोर्ड कीबोर्ड के साथ अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे कीबोर्ड के साथ माउस को यूज करोगे तो ईजिली आपका जो डेटा आप एंटर करवाना चाहते हो वो ईजी हो जाएगा प्रोसेस आपका इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड डज़ नॉट टेक अप मच स्पेज तो छोटा है साइज में और ज़्यादा आपका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता एज़ कम्पेयर टू यूर कीबोर्ड फाइन फास्ट टू सिलेक्ट कोई भी आइकन आपने सिलेक्ट करना है और या कोई ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है या आपने कोई क्लोज करना है ड्रैग करना है तो ये सब चीज़ें आपकी फास्ट हैं एज कंपेयर टू यूर की बोर्ड हाँ जी समझ में आ रहा है बच्चे एवरीबडी प्लीज रिप्लाई ओके नेक्स्ट बच्चे अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है अगर हम रिपीटिव यूज़ करेंगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो क्या है थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आती हैं लाइक like हमारी जो आ, ये आ, रिस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम माउस का बहुत ज़्यादा यूज़ एक्सेसिव यूज़ करते हैं जो ओल्डर माउस थे जिसमें हमारे पास बॉल्स थी जो मैंने आपको पहले भी बताया है तो उसमें क्या था कि उनकी जो एक्यूरेसी थी दैट वाज वेरी लो बॉल कई बार इजीली रोटेट नहीं कर पाती थी उतनी ग्रिप नहीं थी उस बॉल में कि वो इजीली रोटेट कर सके और हमारे स्क्रीन के ऊपर ओके okay जी ओके okay बच्चे और स्क्रीन के ऊपर हम लोग एक्यूरेट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते थे वो पॉइंट हमें नहीं मिल पाता था राइट right? इट नीड्स अ फ्लैट सरफेस टू वर्क माउस के लिए हमें नीचे बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए ठीक है एक माउस पैड होना चाहिए आपके पास जिसके ऊपर आप माउस रख के उसको यूज़ कर सकें अगर वायरलेस माउस है तो अगर उसकी बैटरी जो चली जाती है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे ठीक है वायरलेस माउस को वायर्ड माउस को आप अपने इसके साथ कनेक्ट करेंगे ठीक है तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं माउस की ओके okay बच्चे समझ आ रहे राइट ओके नेक्स्ट इज अ ट्रैक बॉल अब जैसे बच्चे आपका माउस था सिमिलर डिवाइस है आपकी एक ट्रैक बॉल थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें ट्रैक बॉल सिमिलर टू माउस बट जो बॉल है वो इसकी इसकी टॉप पे आ गई है और माउस की जो बॉल थी या एलईडी थी वो क्या थी इसके नीचे थी आपके नीचे वाले सरफेस पे और ये जो आपकी स्क्रीन को जो स्क्रीन को हम मैनेज कर पाते हैं ट्रैक बॉल से वो कैसे मैनेज कर पाते हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस बॉल इसको हमने रोटेट करना होता है और इसके साथ आपकी जो स्क्रीन है वो मैनेज हो पाती है कहीं भी आप ऑपरेशन जो है अपना परफॉर्म कर सकते हो अब यूजेस क्या है सिमिलर तरह का यूज़ है इसका जैसे हम माउस को यूज़ करते हैं बच्चे सेम हम ट्रैक बॉल को भी यूज़ करते हैं थोड़ा सा ये कंफर्टेबल है ट्रैक बॉल एज कंपेयर टू योर माउस इसमें जो हम बॉल को मूव करते हैं दैट इज मूव्ड विद दी हेल्प ऑफ योर हैंड हाथ के साथ हम इसको मूव करते हैं इससे जो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी माउस को यूज़ करने की जैसे हमारा हैंड दर्द होने लग गया या रिस्ट प्रॉब्लम आती थी आपकी वो थोड़ी सी कम आती है एज कंपेयर टू योर माउस ट्रैक बॉल में ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम थी एडवांटेजेस ऑफ ट्रैक बॉल अब एडवांटेजेस क्या है बच्चे इसकी ये जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो बॉल है हम हाथ से भी मूव कर सकते थे तो दीज आर मोर कंफर्टेबल देन माउस ये माउस से ज्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि इसमें रिस्ट मूवमेंट कम थी हमारी रिस्ट की हमारी कलाई की मूवमेंट कम होके हमारी हाथ की मूवमेंट ज्यादा थी दे आर मोर एग्रोनॉमिक एग्रोनॉमिक का मतलब क्या होता है जैसे हमने कीबोर्ड में भी पढ़ा था एक एग्रोनॉमिक कीबोर्ड। एग्रोनॉमिक का मतलब ये है कि ये हमें थोड़ा सा हैंड रेस्ट की प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि हमारे जो हैंड्स हैं वो रेस्ट कर सकते हैं और हम हम हमारी जो पेन है वो भी कम हो जाती है तो दीज आर मोर कंफर्टेबल देन माउस येस जसप्रीत मोस्टली यूजर्स यूज़ की बोर्ड दैन माउस बच्चे ये अपने अपना वो होता है कई लोग की बोर्ड कम यूज़ करते हैं देखो की बोर्ड इज बेसिकली फॉर मोस्टली यूज फॉर डेटा एंट्री पार्ट ठीक है तो कीबोर्ड से कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो आप इजिली परफॉर्म नहीं कर सकते वो आप माउस के साथ कर रहे हो बेसिकली वी यूज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड माउस अकेला कीबोर्ड भी कोई यूज़ नहीं करता आजकल के टाइम में अकेला माउस भी नहीं यूज़ करता हम क्या करते हैं इन दोनों से ही जो इजिली ऑपरेशन कीबोर्ड से हो जाते हैं वो हम कीबोर्ड से कर लेते हैं जैसे डेटा एंट्री होगी आपकी फाइन और जो ऑपरेशन हम माउस के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं वो माउस से हो जाते हैं जो भी हमें ईजी लगता है हम उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेते हैं ठीक है बच्चे नेक्स्ट एडवांटेज क्या है ट्रैक बॉल की इट इज़ मोर एक्यूरेट देन दर पॉइंटिंग डिवाइस दूसरी पॉइंटिंग डिवाइसेस के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा एक्यूरेट थी कैन बी यूज इवन वेन देयर इज नो फ्लैट सरफेस क्योंकि अब जो बॉल है आपकी वो कहाँ पे है टॉप पे प्लेस्ड है तो उसके लिए आपको कोई फ्लैट सरफेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये इजीली आप ट्रैक बॉल को कहीं भी यूज कर सकते हो यस फास्ट वर्क यस नाउ वॉट आर द डिसएडवांटेजेस थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये माउस से ज़्यादा एक्सपेंसिव है मोर एक्सपेंसिव देन माउस माउस से थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली मिलेगी आपको ट्रैक बॉल और जो लोग थोड़ा माउस uh, का ज़्यादा यूज करते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कई बार इसको यूज करना इसको लर्न करना और इसको यूटिलाइज करना अपने काम में तो दैट इज अट डिसडवाटेज ऑफ ट्रैक बॉल नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग इज ज्वाइस्टिक मोस्टली बॉइज ने इस इनपुट डिवाइस को यूज किया होगा सो जॉयस्टिक लाइक योर माउस एंड ट्रैक बॉल दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर है उसको कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस यूज होती है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस ज्यादातर ये लोग यूज कहाँ करते हैं दिस इज यूज फॉर गेमिंग पर्पज तो आप यहाँ पे एक जॉयस्टिक देख रहे हैं दिज आर कंट्रोल बटन्स जिसके साथ इसके जो मूवमेंट है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं ये गेमिंग के लिए ऊपर बटन्स हैं दीज आर द फायर बटन्स एंड दिस इज द कंट्रोल स्टिक जिसको आप मूव करते हो जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में आप इसको मूव करोगे इन सिमिलर डायरेक्शन आपको आगे जो वर्चुअल इमेज uh, आपको दिखाई दे रही है वो उसकी मूवमेंट्स भी आपकी सेम होंगी फाइन बचे तो अभी तक हम तीन पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ चुके हैं वन इज माउस अनदर वन इज ट्रैक बॉल एंड थर्ड वन इज जॉयस्टिक कीप इन माइंड आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस तो आपको चार पांच ऑप्शंस गिवन होंगे तो उसमें से आपने देखना है कि इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है पॉइंटिंग डिवाइस वो ऐसा डिवाइस होता है जो आपके स्क्रीन पे आपके कर्सर को या आप या फिर आपके पॉइंटर को कंट्रोल करता है राइट यस हाँ जी जॉयस्टिक कैन बी लेफ्ट और राइट ही एस जॉयस्टिक की जैसे जैसे बच्चे आपकी मूवमेंट होगी वैसे ही जो आपको सामने वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है वैसे ही उसमें आप जैसे कोई बाइक राइड कर रहे हो आप किसी गेम में तो जैस वैसे जैसे ही आप जॉयस्टिक को मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी बाइक जो है वो मूव करती जाएगी फाइन बच्चे अब यूजेस क्या है द वेरी फर्स्ट इज टू कंट्रोल करेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स इन वीडियो गेम जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बाइक जो चला रहे हैं किसी गेम में अगर उसको कंट्रोल करना है जैसे जैसे आपकी जॉयस्टिक की मूवमेंट होगी वैसे वैसे ही आपकी उस डिवाइस की उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती रहेगी फाइन कई जगह कई मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है जैसे क्रेन्स होगी आपकी इनको भी कंट्रोल किया जाता है जॉयस्टिक से ठीक है वेरियस सिमुलेटर्स हो गए सिमुलेटर अब क्या होता है एक टर्म हम यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में दैट इज सिमुलेशन उसमें भी आपकी जॉयस्टिक यूज होती है कई जगह अब देखिए होता क्या है सिमुलेशन का मतलब क्या है सपोज कीजिए कोई आपका रियल लाइफ सिस्टम है ठीक है कोई भी सिस्टम आप लगा लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग पायलट की एक एग्जाम्पल ली है अब देखिए पायलट्स है, होते हैं ठीक है वो क्या करते हैं आपके एरोप्लेन को चलाते हैं अब किसी ने उसकी ट्रेनिंग लेनी है तो डायरेक्ट तो आप पहले दिन तो आप उनको उनके एरोप्लेन पे नहीं बिठा दोगे तो हम क्या करते हैं जो भी हमारा रियल सिस्टम होता है तो उसके जैसा हम एक मॉडल रेडी करते हैं ठीक है उस मॉडल के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस करते हैं उस मॉडल के ऊपर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसी की तरह रियल सिस्टम की तरह ही हम एक डमी नहीं बोल सकते हो दैट इज़ नॉट अ डमी डमी मॉडल्स नहीं होते हैं वो एक आ, होते उसी तरह के हम छोटे सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं और सारे ऑपरेशंस वैसे ही उसमें लगाते हैं जैसे एक रियल टाइम सिस्टम में होता है अब किसी ने एरोप्लेन चलाना सीखना है तो हम डायरेक्ट उसको एरोप्लेन में नहीं बिठाएंगे हम पहले उसका मॉडल रेडी करेंगे जितने भी एरोप्लेन में ऑप्शंस यूज़ होते हैं जो भी कंट्रोल यूज़ होते हैं वो सारे उस अब, मॉडल में होंगे उस पर हम ट्रेनिंग देंगे तो उसमें भी हम जॉयस्टिक को क्या करते हैं यूज़ करते हैं तो जॉयस्टिक्स आर यूज एज सिमुलेटर्स ऑल्सो तो सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है कंप्यूटर साइंस की जिसमें हम किसी भी रियल सिस्टम का एक पहले मॉडल रेडी करते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं देन वी स्विच टू द रियल टाइम सिस्टम्स राइट हाँ जी यस गुरप्रीत कौर बच्चे आप क्या पूछ रहे हैं मैम इसको यूज़ क्यों करते हैं आप अपना क्वेश्चन बच्चे क्लियर कीजिए यस जसप्रीत डमी मॉडल ऑपरेशन राइट बच्चे तो सिमुलेशन में हम एक मॉडल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे भी हम जॉयस्टिक को क्या करते हैं यूज़ करते हैं राइट नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या हैं बच्चे ये हमें अच्छे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ठीक है अब देखिए अगर हम गेम्स uh, की भी बात करें तो वो भी क्या है इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ सिमुलेटर सिमुलेशन टेक्निक है आप डायरेक्ट बाइक नहीं चला रहे हो ठीक है लेकिन आप सामने बैठ के किसी एक मॉडल पे बैठ के जैसे जैसे उस मॉडल को यूज कर रहे हो आपको ऐसे लग रहा है कि बाइक वैसे ही चल रही है सो दिस इज अ दिस इज सिमुलेशन तो जॉयस्टिक्स यहाँ पे यूज होती हैं ठीक है जी हाँ जी तो जॉयस्टिक का फर्स्ट एक्स आपको एडवांटेज क्या मिलेगा इट विल प्रोवाइड यू बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक है जी ईजी टू यूज होता है आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो ठीक है करेक्टर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको मूव कर सकते हो फाइन अब डिसएडवांटेज क्या है बच्चे डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हम कीबोर्ड की हेल्प से अपने डेटा को एंटर करवाते हैं अपने सिस्टम में वैसा कुछ आपके जॉयस्टिक से पॉसिबल नहीं है यू कैन नॉट इनपुट टेक्स्ट विद जॉयस्टिक ठीक है बहुत मुश्किल है उससे टेक्स्ट इनपुट करवाना फाइन नेक्स्ट है नॉट ईजी टू कंट्रोल स्क्रीन कर्सर वैन कंपेयर टू अ माउस अब इसके डिसएडवांटेजेस हम विद रिस्पेक्ट टू कीबोर्ड माउस देख रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या है कि आपके स्क्रीन को कंट्रोल करना एज कंपेयर टू योर माउस वो जॉयस्टिक में डिफिकल्ट है थर्ड क्या है कि जिन लोगों को हैंड या फिर रिस्ट इश्यूज़ हैं जिनके हाथ में कोई दिक्कत है या कलाई में कोई दिक्कत है तो वो लोगों के लिए इसको यूज करना थोड़ा पेनफुल हो सकता है ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट है बच्चे ग्राफिक टैबलेट पेन टैब जिसको हम बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में इसमें क्या है ये एक ग्राफिक टैबलेट या फिर ग्राफिक्स पैड होता है इसमें क्या है? एक रेक्टेंगुलर आपको शेप का एक स्क्रीन गिवन होगी या पैड गिवन होगा उसमें क्या है एक साथ में पेन होगा दिस पेन इज कॉल्ड स्टाइलस इस पेन के साथ जो जो आप यहाँ पे लिखते जाओगे वो सारा का सारा आपके मॉनिटर पे विजिबल होता जाएगा अब सपोज जैसे यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा यहां है यहाँ पे है ग्राफिक टैबलेट तो मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन किया वो आपको विजिबल है तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है आपके ग्राफिक टैबलेट की हेल्प से हो रहा है जैसे जैसे मैं पेन को यहाँ पे मूव करूंगी ये जो डायमेंशन होती हैं ये आपके स्क्रीन के डायमेंशन के अकॉर्डिंग होती हैं मतलब स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखते हो जो 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 चीजें आप यहाँ लिखना चाहते हो वो सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे आपकी मोनिटर पे अपीयर होती जाएंगी ठीक है जो भी आप यहाँ पे लिखोगे दीज आर सेव्ड एज इमेजेस तो एक बार जैसे ही आपने ये लिख लिया ये एज अ इमेज बन गया तो जब आप वो डॉक्यूमेंट को क्लोज करोगे वो आपसे पूछेगा कि आप कोई जो भी आप कर रहे हो काम जो आपने किया है ग्राफिक टैबलेट के साथ क्या आप उसको सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते तो ये आप पे डिपेंड है आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है या नहीं करना है इट मीन्स जो भी जो आप पेन के साथ लिखते जाएंगे वो सारा का सारा आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर होता जाएगा ठीक है जी जो आपके गिल्सर लेक्चर देते हैं मैथ्स के वो लिखते हैं ना आपको सारा कैलकुलेट करके दिखाते हैं ना कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो सारा किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है बच्चे विद दी हेल्प ऑफ ग्राफिक टैबलेट, फाइन? हाँ जी नेक्स्ट है ग्राफिक टैबलेट के क्या क्या आपके यूसेज है दिस इज़ मेनली यूज इन योर कैड कैड क्या होता है कंप्यूटर एडियो डिज़ाइन एंड ड्राइंग दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ योर कंप्यूटर्स जिसमें आप तो कोई भी आपने आ, ले आउट रेडी करना है कंप्यूटर में कोई सपोज बिल्डिंग है ठीक है उसका आपने कोई लेआउट रेडी करना है तो वो सारा किस में पॉसिबल होता है कैड में तो ग्राफिक जो टैबलेट होता है मोस्टली वहाँ यूज़ होता है या फिर आजकल तो ऑनलाइन टीचिंग में मैक्सिमम इसका यूज़ है तो ये क्या करता है कि आपकी डिजिटल इमेजेस को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है एज़ कम्पेयर टू योर माउस तो मींस जो भी अगर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें आपका ग्राफिक टैबलेट आपको हेल्प करेगा हाँ जी ऑटो कैड राइट नेक्स्ट है बच्चे एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक टैबलेट एडवांटेजेस क्या हैं कि इस इसमें आप जो आप डायग्राम्स uh, हैं वो ज़्यादा इजीली बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू योर माउस अगर मैं माउस से कोई डायग्राम बनाऊंगी तो वो इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी जितना कि हम स्टाइलस के यूज से बना सकते हैं बिकॉज़ स्टाइलस इज़ जस्ट लाइक योर पेन जैसे आप पेन से एक अच्छी डायग्राम बना सकते हो ना सिमिलरली आप वो डायग्राम किसकी हेल्प से बना सकते हो स्टाइलस की हेल्प से नेक्स्ट है इसमें एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम होगी ठीक है एज कंपेयर टू योअर माउस नेक्स्ट है बच्चे आपकी डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि ये कोई भी जैसे आप पॉइंटिंग करते हो या क्लिकिंग करते हो उसके लिए सुटेबल नहीं है जैसे हम अपने माउस का यूज करते हैं ठीक है ऑप्शंस खुल जाती हैं बेसिकली दिस इज टू ड्रॉ एनी इमेज और आप कोई भी स्केच ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप इससे इजिली ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू योर माउस ये आपके थाउजेंड्स में इसकी कॉस्ट होती है तो आप इस, इसको अगर यूज़ करना है तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव योर देन योर माउस क्या जी हां जी अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं गुड इवनिंग कुणाल हाँ जी नेक्स्ट और बच्चे स्कैनर्स नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस स्कैनर स्कैनर क्या होता है कोई भी आपका टेक्स्ट आपने पेपर के ऊपर लिखा हुआ है अगर आपने उसको एज अ इनपुट देनी है अपने कंप्यूटर को तो आप किसके थ्रू दे सकते हो स्कैनर के थ्रू तो स्कैनर्स कैन बी यूज टू कन्वर्ट इमेजेस या फिर टेक्स्ट जो आपने पेपर पे लिखा है उसको डिजिटल फॉर्मेट में जब आप यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ डन विद दी हेल्प ऑफ योर स्कैनर्स तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है कोई भी इमेज कोई भी टेक्स्ट आपने यहाँ लिखा हुआ है आपने पेपर पे तो वो अगर आपने कंप्यूटर में इनपुट करवाना है वो किसकी हेल्प से होगा आपके स्कैनर की हेल्प से होगा हाँ जी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है एग्जैक्टली exactly बच्चे अब हम देखते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो हम स्कैन करके रख लेते हैं ठीक है हाँ तो वो हार्ड कॉपी हमारे पास ठीक है उसको सॉफ्ट कॉपी में हम वो हम लोग कन्वर्ट करते हैं सो दैट कैन बी कन्वर्टेड विद दी हेल्प ऑफ स्कैनर्स फाइन तीन तरह के बेसिक स्कैनर्स हैं आपके पास फ्लैट बैट एंड हेल्ड एंड शीट फेड स्कैनर्स ये तीन कैटेगरीज हैं आपके स्कैनर की हाँ जी अगर हम फ्लैट बेड स्कैनर की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका जो स्कैनर सरफेस होगा उसके ऊपर ये देखिए ये इमेज है आपकी जैसे आपका फोटो कॉपियर होता है उस सेम ही आपका फ्लैट बेड स्कैनर होता है ऊपर एक इसका सरफेस होता है यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को प्लेस करेंगे या आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट विजिबल है तो जो भी आप टेक्स्ट जिसको आपने हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पे प्लेस करते हैं और ऊपर से ये सरफेस रख देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाता है स्कैन हो जाता है हाँ जी नेक्स्ट है बच्चे हैंड हेल्ड जैसे इसका नाम आपको दिख रहा है हैंड हेल्ड मीन्स ऐसे स्कैनर्स जो आप अपने बहुत ही जो हैंडी होते हैं जिसको आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो तो ये क्या है ऐसे स्कैनर्स होते हैं जिसको आप कोई भी इमेज के ऊपर उसको ऐसे करके घुमा दोगे तो वो क्या होगा वो इमेज को वो रीड करेंगे जिसके ऊपर भी वो ड्रैग हुए हैं मतलब जिसके ऊपर भी हम उनको लेके जा रहे हैं हमने उसको ड्रैग किया है वो इमेज के कंटेंट्स को वो रीड आउट कर लेगा दिस इज हैंड हेल्ड स्कैनर नेक्स्ट है बच्चे यस नेक्स्ट इज शीट फेड स्कैनर Next is sheet fed scanners.